गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास फोर का पार्ट फाइव वृक्ष का हम प्रश्न का उत्तर लिखवा रहे हैं। सभी बच्चे अपना चित्र कॉपी निकाल कर प्रश्न लिखना शुरू करें। प्रश्न है बताइए, पहला है प्रश्न है बताइए। प्रश्न पहला है बीज किसने बोया था, बीज को किसने बोया था? तो बीज को हवा ने बोया था। बीज को किसने बोया था? तो बीज को हवा ने बोया था। प्रश्न दूसरा है अंकुर कहाँ सोया था, तो उत्तर है अंकुर मिट्टी में सोया था। कहाँ सोया था? तो मिट्टी में। प्रश्न है रोज शाम सवेरे वृक्ष पर क्या होता है, तो वृक्ष पर क्या होता है? रोज शाम को पंछियां पेड़ों पर आकर आराम करती हैं तथा सुबह उठकर चहचहाने लगती है, मैंने ची 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 करने लगती है। हाँ, प्रश्न लिखित है। प्रश्न बोने के बाद बीज में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब बीज बोने पर क्या उसमें परिवर्तन होता है, हम लोग उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर होता है बोने के बाद बीज अंकुरित हुआ और एक नन्हा सा छोटा पौधा मिट्टी से बाहर निकलता है। यानी कहाँ से? तो बोने के बाद बीज अंकुरित होता है और एक नन्हा सा छोटा पौधा मिट्टी से बाहर निकलता है। आंखें खोलकर या संसार के बारे में उसे पता चलता है। प्रश्न दूसरा है नन्हा बीज क्या बन गया, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे नन्हा बीज एक पौधा बन गया और धीरे धीरे वह एक पेड़ बन गया, मतलब वह एक पेड़ बन जाता है, धीरे धीरे वह एक पेड़ बन जाता है। प्रश्न के लिए है वृक्ष और प्राणियों में क्या समानता है, तो वृक्ष और प्राणियों में हमारी क्या समानता है, तो उत्तर है वृक्ष भी मनुष्यों के भांति क्या सुख दुख का अनुभव करते हैं, वे भी जीवित और मृत मनुष्यों के भारती हैं, माने जिस तरह मनुष्यों में जीवित मनुष्य जीवित होते हैं और मरते हैं, उसी तरह पौधे भी जीवित और मरते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। वृक्ष की छाया में जूटी टोलियां क्या करती हैं, पहले वृक्ष की जो दोपहर में लोग जाकर वृक्षों के नीचे आराम करते हैं चिलचिलाती धूप से बचने के लिए, तो उस समय वृक्ष की छाया में जूटी टोलियां माने बच्चों की टोलियां जो होती है, मनुष्यों की जो टोलियां होती है, तरह तरह की टोलियां चलते हैं या रचाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न का उत्तर जो है हम मन में लिखवा दिया गया। अब हम तुम लोगों को इसके अलावा भी जो इस चैप्टर में मैंने बहुत सी मैंने प्रश्न मैंने कविता किया है, कविता की वीर पंक्तियां लिखी जिनसे पता चलता है कि वृक्ष सजीव है। तो कुछ इसमें ऐसी पंक्तियां हैं जो
जो पंक्तियों को जो तुम लोगों को समझ में आता हो कि ये सजीव हैं, भी यहाँ पर लिख देना है। जैसे वृक्ष सांस, माने यहाँ हम जैसे माने हमारी यहाँ इसमें से कुछ पंक्तियों को, अपने किताब की कुछ पंक्तियों को जो सजीव के बारे में दिया गया है। पौधे तो ये तो जानता है कि सजीव प्राणी होते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वे भी सांस लेते हैं, उसमें भी वृद्धि होता है। तो वृद्धि होता है तो ये उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, और अंडरलाइन कर हम यहाँ पर भर देते हैं। अब यहाँ है जो प्रश्न है 4, इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। आंख खोलकर बाहर आया, तो जब मिट्टी से दबे पौधे, जब मिट्टी से दबे मिट्टी से बीज जो दबे होते हैं, और जब उनमें अंकुर अंकुरण होता है, तो मिट्टी को छेदते हुए, मिट्टी को अपने से हटाते हुए वे बाहर आते हैं, और वे आंख खोलकर इस संसार को, इस दुनिया को देखते हैं। अब प्रश्न है ख, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। माने ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। माने यहाँ थोड़ी सी परेशानी इसलिए है कि यहाँ कवि कह रहा है कि ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। माने अक्षर होता है कि जब अंकुर माने पौधे मिट्टी से अंकुरित होकर ऊपर निकलते हैं, तो उनकी जड़ें जो होती हैं, जड़ जो होता है वह धरती के नीचे, माने धरती के ऊपर तो पौधा निकलता है, लेकिन जो माने पौधे के जो जड़ होते हैं, जो रूट होते हैं, वे धरती के नीचे बढ़ते हैं। तो पौधे की एक तो नीचे जड़ बढ़ता है, और तना जो होता है, जो उसकी जो नन्हा सा पौधा होता है जिसको हम आगे चलकर तना कहते हैं, उसको वह ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये तो समझ में आ गया कि नीचे 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 जो होता है वह जड़ बढ़ता है, और तना जो होता है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग इसका चौथा भी समाप्त हो गया। अब यहाँ है कि इन वाक्यों में अर्थ के अनुसार उसमें में और पर लिखिए। तो यहाँ हमें रिक्त स्थानों में, खाली जगहों में और पर भरना है। तो ये हम यहाँ हम तुम लोगों को बता देंगे, किताब में नोट कर लो, किताब में या तो किताब में भर लो। बीज सपनों में खोया था, पहला में क में हम क्या भरेंगे, में। बीज सपनों में खोया था, इसमें खोया था तो सपनों में खोया था, यहाँ हम में भरेंगे। क में क्या भरेंगे, में। पेड़, पेड़ पर तने डालियां पत्ते आए, तो इसमें हम क्या भरेंगे, ख में पर, क्या भरेंगे, पर। गवे है अंकुर, अंकुर धरती, धरती अंकुर धरती। अब यहां हम में भरेंगे कि पर भरेंगे, में। अंकुर धरती में नीचे समाया, शाम को वृक्ष पर, चौथा में हम क्या भरेंगे, शाम घ में पर चिड़िया आती, टोलियां आकर छाया में बैठ जाती, में। यहाँ हम अंतिम में अंगम में भर रहे हैं। इस तरह से पार्ट फाइव का हम सारे तुम लोगों को करा दिए। उम्मीद है तुम लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।